राघव एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन एक समस्या थी। वह हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था। उसकी सोच कभी खत्म नहीं होती थी। जब भी वह किसी काम की शुरुआत करता, उसके मन में शंकाएं और सवाल उठने लगते। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों में उलझकर वह कभी भी किसी चीज की शुरुआत नहीं कर पाता था। राघव का दिमाग हमेशा सक्रिय रहता, लेकिन जिस भी काम को करने की कोशिश करता, उसे पूरा नहीं कर पाता था। उसे हमेशा लगता कि वह किसी न किसी चीज में कमी छोड़ रहा है या परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं होंगे। इसी कारण से उसने कई मौके गंवा दिए। उसे पता था कि उसके पास क्षमता है, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जब वह रात को सोने जाता तो भी उसका दिमाग शांत नहीं हो पाता था। वह हर चीज के बारे में सोचता। कल क्या करना है? क्या उसने सही फैसले लिए? क्या वह सही दिशा में जा रहा है? ये विचार उसकी नींद छीन लेते थे। एक दिन राघव की मुलाकात उसके पुराने दोस्त रोहन से हुई, जो पहले भी ऐसी स्थिति में था, लेकिन अब वह बदल चुका था। राघव ने उससे उसकी इस परिवर्तन का कारण पूछा। रोहन ने कहा, तुम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर इतना सोचते हो कि असली काम करने का समय नहीं मिलता। मैं भी यही करता था, लेकिन फिर समझा कि ज्यादा सोचना ही सबसे बड़ी रुकावट है। राघव ने पूछा, तुमने क्या किया? रोहन ने जवाब दिया, मैंने यह समझा कि विचारों पर पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। वे आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें कितना महत्व देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सोचना कम और करना ज्यादा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, बिना यह सोचे कि क्या होगा। राघव ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने 3 छोटे छोटे कामों की सूची बनाई जो उसे अगले दिन पूरे करने थे, और फिर पहली बार उसने बिना यह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत, बस उन कामों पर ध्यान दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव ने महसूस किया कि उसकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर छोटा कदम उसे और मजबूत बना रहा था। उसने जो काम पहले असंभव लगता था, अब वह आसानी से कर पा रहा था। राघव ने यह सीखा कि बहुत ज्यादा सोचना हमारी प्रगति को रोक देता है, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अब वह अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वासी है। उसने ओवरथिंकिंग को हराने का तरीका सीख लिया है।